कबहुं भूलो ना जाए जो महंगाई को हाल, कबहुं भूलो ना, कबहुं भूलो ना जाए जो महंगाई को हाल, कबहुं भूलो ना। भुनसारे उठ के जब सब्जी सताए, टमाटर के भाव कछु कहे नहीं जाए। राम राम पहुंचे ढला पर वाली को, देखो भैया सब्जी इतनी महंगी हो गई कि का बताएं, हमारे जी तो सब्जी ले भी नहीं जाता है। कहा इतनी महंगी है, ना बनाओ दाल बनाओ। अब दाल खा खा के सकले भी दाल साई हो गई हमारी, का बताइए। अब देखो अहो अष्टमी और एकादशी आ गई, सो हमने कहीं बताया ये, एक तो कार्तिक नहा उन्हें पर रहा, सो टाइम ही नहीं मिला था तन कहु, लेकिन फिर भी हम आ गए तना सो टाइम निकाल के तमान के लाने। सो देखो अहो अष्टमी और रंभा एकादशी हम एक संगे बता भी, कहीं की दोबारा का पता टाइम मिला कि नहीं मिला, तो फिर कार्तिक बताने भी आ उन्हें हमें। अहो अष्टमी दीपावली की एक हफ्ता पहले परत, जैसे 14 तारीख की दीपावली है तो 7 तारीख का अहो अष्टमी है, लेकिन दो पर थी ई की दो कथा होती, सब अहोई अष्टमी के बारे में बताए दे रहे। कहा है कार्तिक के महीना में अष्टमी के दिना अहोई अष्टमी रात ई में स्याऊ माता की पूजा होत, का करने अपन खा कि स्याऊ माता खा रात के जब चंद्रमा उगाए और तारा निकाला पूरी जगह, चंद्रमा उगे तो ठीक है नहीं तो तारा तो निकल ही आए, तो छत पे अपन का स्याऊ माता की फोटो रख लेने, फोटो हो तो फोटो नहीं तो मूर्ति हो तो मूर्ति वो रख लेने, उन्हें चंदन चावन करने और उनकी पूजा करने और भोग लगाने, दिन भर ही में उपास रहो जात, जो हो गई तुम उनकी स्याऊ माता की पूजा, सादा सिंपल लाती में कछु ज्यादा चटक पटक नहीं रात। अभी की तुम्हें हम बता रहे कथा। कहा है एक साहूकार रात, वो के साथ लड़का रात, सो वो के सेठानी है, वो एक दिन का करत कि खेत पे जात मिट्टी लेवे के लाने, सो खुरपी से जैसे ही वो मिट्टी खोदत सुस्याही के बच्चा मर जात सेही के। अब वो देखत उन्हें मारुत को ना तू जानबूझ के, लेकिन सेही के ऐसे ऐसे करके सातों बच्चा मर जात। अब जब ऊ के मताई आउत सो वो देखत के हमारे बच्चा मर गए, सुसिठानी का करा तो ते पे जाके साहूकार की घरवाली कि ओ तैसे चली जात रोत रोत कि हमसे जो तो पाप होगा गलती से जे बच्चा मर गए, हमने कौन जानबूझ के मारे हते। जब भी सेही की मताई आके देखत पूरी जगह खून ही खून पर हो रात। अब एक मताई की ममता है सो वो श्राप दे दे कि जीने हमारे बच्चन का मारो हुई है ऐसे क्लप क्लप के उके बच्चा मरे। सो का होत अब जब श्राप दे दे उस साहूकार की जो घरवाली रात वो देखत रोज वो बिलाप करात रोज रोत कहे कि एक एक करके उके बच्चा बीमार रात और एक साल के अंदर उके सातों बच्चा बुझा जात, एक और लड़का नहीं बचात उके, वो बचा तो उको घर वालों बचात। अब भी और सोचत कि जब हम आओ मोड़ा ओड़ा को नहीं बचो, हमारे नहीं संतान होगा, संतान ही नहीं है तो की के लाने जिए। सुबह निश्चित करत कि बिना चप्पल के नंगे पांव तीर्थ यात्रा पे जे हैं और बिना खाए पिए जितनी श्रद्धा हो जहां तक पहुंच पाए। सुबह और ऐसे निकल जात जब तक शक्ति रात सो तब तक चलत जात चलत जात। अब एक दिन अबे जब पहुंचत पहुंचत चक्कर खा के गिर जात, कहीं शक्ति ना आती बिना खाए पिए जात, तो चक्कर आके भी और बेहोश हो जात। फिर उते पे आती माता, माता आके कहती कि देखो अब हम बता रहे कि तुमने का करो, तो सुबह साहूकार घर वाले पूछत कि माता बताओ आपकी का गलती भाई हमसे, बोले तुम पहले तो खूब पूजा पाठ करती लेकिन जब तुम मिट्टी खोद बे के लाने गई थी सो तुमने सेही के साथ बच्चन को मार डारो, तो सुबह उन्हें बताई कि माता में माफ कर दो हमने खुरपी चलाई थी, हमने ध्यान नहीं दो कि वे मर गए। सुबह कान लगी ऐसे तुम्हारे सातों बच्चा मर गए थे और तुम्हें जो जो कष्ट भोगने पड़ो कि बुढ़ापे में नंगे पांव चली जा रही और तुम्हारे कोई संतान नहीं कि तुम्हारे बुढ़ापे में सेवा कर सके, सो एक ही कारण तुम्हें जो कष्ट भोगने पड़ रहा हो, लेकिन तुमने क्षमा याचना कर ली तुम्हें उनको पश्चाताप है तुमने तो कष्ट भोग लाओ, तो अब तुम्हें हम ई जो तुम्हें श्राप मिलो तो स्याही की माता को उसे हम तुम्हें मुक्त कर रहे। अब तुम्हें का करने अहो अष्टमी को उपास करने, अहो अष्टमी को तुम उपास करो अगर श्रद्धा भाव से तो तुम्हारे जितने कष्ट में दूर हो जाए। सो फिर कछुरी ने साहूकार की घर वाली अहो अष्टमी को उपास करन लगी, सो बस वो जिंदगी जो बची कुची जिंदगी हती वो अच्छे से निकल गई। सो देखो जो हो गई अहो अष्टमी कार्तिक के महीना की। अब हम बता रहे रंभा एकादशी के बारे में। देखो कार्तिक को महीना चल रहा हो सुकतकारी तो जाती है कार्तिक नहावे
जो को जात है सो वो भी नहाऊत। कार्तिक को महीना है पुण्य प्रताप करत। और देखो कार्तिक के महीना में दीप दान महादान मानोगा कि तुम्हें पानी बहात में दिया को दान करने। अब हम बता रहे तुम्हें एकादशी के बारे में। कार्तिक महीना की एकादशी जो कृष्ण पक्ष की बहुत शुभ है, कहे कि जो कार्तिक को महीना ही चल रहा हो पूरा महीना ही शुभ है, शुभ रात पूजा पाठ को महीना है पूरा। ये महीना में तुम्हें का करने आऊत कि ज्यादा से ज्यादा दान करने, पुण्य प्रताप करने। लेकिन देखो ऐसा नहीं करने कि तुमने आज पूजा पाठ कर लो, पंडित को पूज लो और पंडित घर से निकलो सो वही का घर आऊन लगे। कहे कि कहा पंडित और कुछ ज्यादा मांग ले सो आदमी मन ही मन भुनभुनान लगा। सो ऐसा तनखा नहीं करने अपन का। अब जब एकादशी तुम्हें उपास रहने सुखिला ने बताए दे रहे। देखो पूरे साल में 24 थैया एकादशी पड़ती, सबका पता है 15-15 दिन पर कृष्ण पक्ष की शुक्ल पक्ष की। अभी रंभा एकादशी है तो वो कृष्ण पक्ष की आए। ये एकादशी में उपास उसेरा नहीं आऊत कि ना तो मैं चावल बनाऊ ने घर में ना भगवान का चढ़ाने और ना तो मैं पूजा पाठ अगर तुमने अच्छे से करो तो ठीक है, नहीं तो मन में इतनी श्रद्धा रखो तुम कि अगर तुम्हारे दरवाजे को आए तो तुम्हारे दरवाजे से भूखो ना जाए वो। और खासकर गऊ माता कहे कि अगर तुमने तुम्हारे दरवाजे से गऊ भूखे पेट चली गई तुमने उसे मार के भगा दो तो चाहे तुम एकादशी रह लो चाहे तुम दोदशी रह लो कछु तुम्हारे पुण्य नहीं है, चाहे तुम प्रदोष रहो कहे कि तुम्हारे दरवाजे से कोई भूखो जा रहा हो। अब रंभा एकादशी में तुमने सवेरे से नहा धो लाओ, श्रद्धा हो तुम्हारे तो तुम्हें चाय पीने हैं नहा के, नहीं तो तुम शाम के सीधे फरार करियो। और तो मैं विष्णु भगवान की पूजा करने आऊ एकादशी में तो उसे विष्णु भगवान की पूजा करने आऊ और तुलसी तोड़ के धर लई भगवान का तुलसी चढ़ा देने का कि विष्णु भगवान का तुलसी सबसे ज्यादा पसंद है। और बृहस्पतिवार में केला पूज लो कहे कि केला बृहस्पतिवार को उपास ही अच्छो रात सो तो मैं पूज लेने और तुलसी चढ़ा देने विष्णु भगवान का। लेकिन एक चीज एकादशी के दिन को भी भगवान का चावल नहीं चढ़ाने आऊ, जैसे बुधवार का इतवार का तुलसी नहीं चढ़ाने आऊत उसे ही विष्णु भगवान खां तुमने तुलसी चढ़ाई लेकिन चावल नहीं चढ़ाने तुम्हें। कहे कि एकादशी में चावल वर्जित माने गए और ना तुम्हें खाना खाने आऊत एकादशी जो कोई उपास रात की तुमने चाट चटोनी खा ली दिन भर उपास रहे शाम को तुमने वे पेटीज बर्गर काउ सुबह खा ले नहीं खाने आऊत इन्हें उपास श्रद्धा से रहो जात। अब हम बता रहे इनकी कथा का है। पौराणिक कथा के हिसाब से एक राजा रात रायसेन सुबह ऊपर जो नगर रात वो पूरा अच्छो फलो पूलो रात उत पे कोई चीज की कमी नहीं रात। कहे की भी सब जने एकादशी को उपास अच्छे मन से करात और जितनी एकादशी आती साल भर की रात सो उनकी जितनी प्रजा रात सुबह भी एकादशी रान लगी। कहे की जब वो राजा होते को उपास रह रहा हो तो फिर प्रजा भी रहे है। सो राजा रायसेन के लड़का होत सोमन नाम रात को सो वो देखत जब हमें मताई बाप पूजा कर रहे सो देखत देखत वो भी उपास करान लगा जब बड़ो होत। फिर उनको ब्याह हो जात अच्छी सुंदर कन्या सर्वगुण संपन्न बिटिया से उनको ब्याह हो जात। वो मौड़ी भी ससुराल में आके उपास रान लगत। अब का होत एक दिना उ लड़का की अचानक खूब तबीयत बिगड़त और वो ई दुनिया का छोड़ के चले जात। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रात की जो राजा और उनके मौड़ा की बहू घरवाली को भी उपास नहीं छोड़त और लगातार वो उपास एकादशी को करते ही रात का पता कछु भूली बिगड़ी हुई है सो भगवान ने जो पाप दो हम खा। अब एक दिन का करत कि एक पर्वत में अप्सरा नाचती रंभा अप्सरा नाचती है उतह पे तो उतह पे जो उनको घर वालो रात सुमन वो भी उतह पे रात। सो जब राजा कहते कि जो उन काम करती वे उतह पे जब देखती वे आके बताती राजा का सब कछु कि उतह पे तो महाराज हैं हमने देख के आए सब जने पहुंच जा तू कि घर वाली भी पहुंच जात कि देख के आ रहे कि भला सही है दास इनकी बात की झूठी है। सो वो देखत कि पर्वत में उको मोड़ा रात उको घरवालो रात सुमन की घरवाली देखत सो बे और उखले वाले आउट सो बे अप्सरा कहती कि देखो तुम्हारा जो एकादशी को पुण्य है कि तुम्हारे घर में तुम्हारा जीवित लड़का आ गो जबकि वो मरु ना तो उपास रात सबका लगा तो बीमारी मर रात की वो मर गो लेकिन भगवान की एकादशी मैया की इतनी कृपा रात विष्णु भगवान की वो मरत नहीं है उनको सुहाग फिर से जिंदा हो जात। सो देखो जो को एकादशी को उपास रात है श्रद्धा से तो उनके घर में कितना दिक्कत हो चाहे तुम्हारे तो 4 रुपया ना हो लेकिन विष्णु भगवान की कृपा से अगर तुम एकादशी उपास हो तो उधर तुम्हारे कहूँ ना कहूँ से पैसा घर में आ जाए हैं। अगर तुम्हारे श्रद्धा भाव है तुम्हारे भूख लगावे के लाने भाई तुम 10 की किस्में से लिया लेकिन तुम्हें पैसा मिल जाए हैं। सो जो ही हम कह रहे जो कार्तिक को अच्छो महीनों चल रहा हो
सब जने पूजा प्रताप करो, जो जी की घरवाली हो, बिटिया बहू है, सबकी इज्जत करो। कहते जो हम ऐसा समाज होगा कि जहाँ पे नारी को सम्मान बिल्कुल नहीं हो रहा हो, दर दर भटक रही नारी। तो हम जो नहीं चाहता है कि कुहू के घर की बिटिया हो, चाहे घरवाली हो, चाहे कुहू की मताई हो, इतने होते भटकत फिर है। सो भैया ढिला पर वाली जा रही कातिक लेके फिर से आ है। ठीक है भैया, सो राम राम। मधुबन ग्रुप प्रोजेक्ट लेके आए हैं भोपाल शहर के सबसे पहले लोकेशन कोलावे डीमार्ट के पास। मधुबन हाइट एक भव्य और आधुनिक टाउनशिप। मधुबन हाइट कोलावे एक ऐसे टाउनशिप आए जिन्हें हबीबगंज स्टेशन 15 मिनट की दूरी पर मानसरोवर डेंटल कॉलेज चल के जा सको और डीपीएस स्कूल 5 मिनट की दूरी पर। एक आपका मूल्य विश्व स्तरीय सुविधा से सुसज्जित क्लब हाउस की सुविधा, साथ ही अनेक भव्य सुविधा जैसे स्विमिंग पूल, कम्युनिटी हॉल, गार्डन, एसी जिम, किड्स जोन, साथ ही भव्य प्रवेश द्वार, 24 घंटा सीसीटीवी सुरक्षा। मधुबन हाइट्स पर आप पाए सबसे किफायती दामन पर सर्व सुविधा युक्त कॉर्नर फ्लैट जी में हर सुविधा, खूबसूरत बिल्डिंग के डिजाइन जी की गुणवत्ता बना रहे आपको इको दीवाना। तो आप सब जनों का स्वागत है मधुबन हाइट्स पर, जहां पर शहर की सबसे सुंदर लोकेशन, प्राकृतिक वातावरण, शासकीय अनुमति प्राप्त प्रोजेक्ट, आसान स्थल पर भुगतान की सुविधा बैंकन के द्वारा विभिन्न सुविधा उपलब्ध है। तो मनाओ एक त्योहार अपने सपनों के आसियाने पर, जहां पर हर सुविधा है जो आपका और आपके परिवार के लाने हुई है खास। प्रोजेक्ट में आपका बुकिंग कर देते मिले मौजूदा किचन, हॉल, सीलिंग, वॉलपेपर, एलईडी लाइट, वुडन पैलिंग, खिड़की और दरवाजा सेंटर लॉक के संग, जिसकी कीमत है लगभग 4,50,000। एडिशनल बेल किट से मिले शोर शराबा से बिल्कुल दूर, हरियाली से भरपूर मधुबन हाइट्स में आपका स्वागत है।